हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इलेक्ट्रिक चैनल। आज मैं आपको रेजिस्टेंस पैरेलल लगाने के बाद उसकी क्या वैल्यू आती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। थ्योरेटिकल भी बताऊंगा और प्रैक्टिकली बताऊंगा। फार्मूला ये है इसका कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर प्रैक्टिकल भी दिखाऊँगा आपको कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, थ्योरेटिकल बता देता हूँ पहले, उसके बाद प्रैक्टिकल बताऊँगा। फ्रेंड देखिए, मैंने दो वैल्यू के रेजिस्टेंस ले लिए, एक 1 के ले लिए और एक 470 ओम ले लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका RX हो गया, यानी ये अननोन रेजिस्टेंस है। देखिए हमारे पास अभी 1 के की रेजिस्टेंस है, यानी कि 1000 ओम हो गई, प्लस में 470 ओम हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है अपने को, RX इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपका 470 ओम आ गया, प्लस में 1000 ओम आ गया, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो 470,000 यहाँ पे आएगा आपका, 1, 2, 3, 4 0 हो गई आपके यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे करके आएगा आपका, और यहाँ पे आपकी हो गई वैल्यू 1470, और ये 470,000। तो फ्रेंड, इस तरह से आपको क्या करना है, ये अब वैल्यू आपकी यहाँ इस तरह से हो जाएगी। ये RX हो गई आपकी 1470, और 470,000 ये हो गया आपका, और अब आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे RX 470,000। चलिए फ्रेंड, अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर की सहायता से। देख सकते हैं 470,000, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड आपकी 1470 थी, देखिए फ्रेंड्स ये करीबन आपकी वैल्यू आ जाएगी। देख रहे हैं कि आप डेसिमल के बाद 72, यानी कि 320 के आसपास करीबन वैल्यू इसकी आएगी, RX की वैल्यू आएगी आपके करीबन 320 ओम। चलिए फ्रेंड, इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं अब हम लोग, 320 ओम आती है वैल्यू या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों को पैरेलल में लगा दिया है, अब देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है रेजिस्टेंस की टॉलरेंस होती है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी, कुछ एक एक दो ओम ऊपर आएगी, और कुछ इसकी जो मीटर है, इसकी जो लीड होती है, इसके भी कुछ वैल्यूज़ होती है। देखिए 322 ओम दिखा रहा है अभी ये, लेकिन देखिए करीबन, देखिए एक डेढ़ ओम के आसपास इसकी वैल्यू होती है। देखिए ब्लिंक कर रहा है, तो करीबन 320 ओम के आसपास की वैल्यू आपकी आ गई। फ्रेंड्स, अगर ये इसके आगे और भी एक रेजिस्टेंस लगी हो, मान लीजिए यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आ जाती है इस तरह से, तो पहले आप इन दो रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालेंगे, उसके बाद जैसे ही ये वैल्यू निकाल लेंगे आप, उसके बाद फिर उसके बाद अगली वैल्यू की रेजिस्टेंस निकालने के लिए फिर दोबारा से इन वैल्यू को पुट करेंगे आप। जब पैरेलल करोगे तो इसी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे और वो भी वैल्यू निकलाएगी आपकी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू को पैरेलल करने का कारण ये होता है, कई बार अपने पास वो वैल्यू की रेजिस्टेंस नहीं होती है जो हमको चाहिए होती है, तो हम रेजिस्टेंस, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे, कितनी क्या वैल्यू मिल सकती है और पैरेलल में क्या मिल सकती है। और अब एक सर्किट ऐसे ही बनते हैं जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों हो जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हो। मान लीजिए आपने सीरीज में दो रेजिस्टेंस लगाई है, आपको अपनी, अब
जो वैल्यू होती है आपको मिल गई जो आपको चाहिए थी। इसी प्रकार से अब बाकी अब इस तरह से लगाएंगे तो आपको ये वैल्यू जो भी चाहिए होगी, मान लीजिए आपको यहाँ पे 1K लगा दिया आपने, यहाँ 1K लगा दिया आपने और यहाँ 1K लगा दिया, तो ये 2K वैल्यू हो गई आपकी। और यहाँ पे आपने 1K लगाई, यहाँ पे आपने 1K लगाई, फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें आपने ये 1K 1K ये आधा ओम हो गई है और ये 2 ओम हो गई, तो करीबन आपकी वैल्यू हो गई 2.5 2.5K आपकी वैल्यू हो गई है। पैरेलल में ये आधा हो जाएगी और ये डबल हो जाएगी। तो आपको पता ही है कि जनरली रेजिस्टेंस जो अवेलेबल होती हैं वो 2.2 होती है या 2.7 होती है के वैल्यू होती है। तो लेकिन अगर आपको 2.5K चाहिए होगी तो इस तरह से आप सर्किट को मतलब दो रेजिस्टेंस सीरीज में करेंगे तो 2K हो जाएगी वो, और दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लेंगे तो 2.K5 वैल्यू हो जाएगी आपकी। तो इसका यही कारण होता है कि हमें जो वैल्यू चाहिए होती है वो वैल्यू हमको मिल जाए, इसीलिए हम सीरीज और पैरेलल का लॉ अप्लाई करते हैं। ये सवाल जनरली के 10th क्लास में भी आते हैं, 12th क्लास में भी आते हैं, 11th में भी आते हैं और कई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप पैरेलल वैल्यू की रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाने के बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए।